हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो एमआई इंस्ट्रूमेंट को पढ़ लिया, पीएमएमसी को देख लिया कि इंस्ट्रूमेंट का इनसाइट क्या है, उसकी वर्किंग कैसे हो रही है। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट ईएमएमसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। मतलब यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट नहीं होते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहेंगे, ठीक है। मतलब बाय द एक्सटर्नल करंट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, राइट। सो इसको आप इलेक्ट्रोडायनामोमीटर भी बोलते हैं, आपने अच्छे से इसके बारे में सुना होगा। वॉट मीटर जो बनता है वो इसी का बनता है, यानी कि फार मेजरमेंट का बेस्ट एप्लीकेशन यदि किसी से लिया जाता है तो वो लिया जाता है डायनामोमीटर से, या यूं कहूँ कि ईएमएमसी से, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने परमानेंट मैग्नेट में देखा, परमानेंट पीएमएमसी में देखा कि वहाँ पे जो मैग्नेट का सेटअप था वो परमानेंट था, राइट। और आपका एक मूविंग कॉइल था, तो उसको आप क्या कर पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट दे पा रहे थे, क्योंकि एसी पे वर्क नहीं कर रहा था। एसी पे क्या हो रहा था, यदि आप एसी दे भी रहे थे तो फील्ड फिक्स था, लेकिन इनसाइड कॉइल में जाने वाला करंट जो है ना चेंज हो रहा था। मतलब पॉजिटिव हाफ साइड, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सो आपको एक टॉर्क नहीं मिल पा रहा था ना, रिजल्टेंट टॉर्क। सो एक मूवमेंट नहीं मिलता। एसी जब भी पीएमएमसी को देते हो वो वाइब्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं देता। हाई फ्रिक्वेंसी का एसी दोगे तो एक कॉन्स्टेंट स्टेबल पॉइंटर लोकेशन देगा, अदरवाइज तो वाइब्रेशन करने वाला है वो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता, उस प्रॉब्लम को इन्होंने दूर कर दिया। कैसे, कि जैसे आपका सर्किट है, मैं यहाँ पे सर्किट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज दिस इज द सर्किट, लेट्स टेक इट आर। ओवर हियर यू प्रोवाइडेड सम इनपुट टू इट एंड यू आर चेकिंग करेंट इन द सर्किट, ठीक है। अब ये कॉइल क्या होती है, ईएमएमसी में दो कॉइल देखने को आपको मिलेगी, फिक्स्ड कॉइल जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करती है, और एक मूविंग कॉइल जिसे आपका पॉइंटर कनेक्ट होता है, ठीक है। सो क्या करना है आपको, आपका ये जो है, दिस इज कनेक्टेड विद दिस, दिस इज यही आपकी फिक्स्ड कॉइल है, कॉइल्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। अब ये होते हुए जा रहा है आपका, इसको आप ऐसे ले लीजिए कि वेट अ मिनट, ठीक है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक। ये आपकी फिक्स कॉइल से कनेक्टेड है, दिस आर नथिंग बट द फिक्स कॉइल, ठीक है, जो जिनका मूवमेंट नहीं होना है, फिक्स्ड कॉइल। These two are fixed coils, okay? चलिए अब ये जो जा रहा है, it will go to moving coil, ठीक है। अब ये moving coil यहाँ पे बन रही है आपकी, this is nothing but the moving coil, ठीक है। और आपको connect कर देना है this entire thing को यहाँ पे, ठीक है। So current आया आपका, यस, करंट इन द सर्किट, करंट आपका यहाँ आया, करंट मूविंग कॉइल में गया और करंट आपका पहुँच गया कहाँ पे, आपका करंट पहुँच गया यहाँ पे जहाँ से वो आया था। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखिए गौर से, ओके वेट अ मिनट, लेट्स वर्किंग। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, फिक्स्ड कॉइल है सर, इनका काम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करना। मूविंग कॉइल का काम क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते खुद को क्या करना, मूव करना। मतलब एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, सेटअप पूरा पीएमएमसी टाइप है, पीएमएमसी में फिक्स सेटअप मैग्नेट था, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मतलब यहाँ फील्ड भी चेंज होगी जब आपका करंट चेंज होगा। मान लो आपने इसको जैसे ही करंट दिया पॉजिटिव हाफ में, यदि दिस इज एन, दिस इज एस, ये एन एस मैग्नेटिक पोल्स आपको क्रिएट हो गए। सो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस हो गया आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो प्रोड्यूस हुआ, इसके चलते आपका जो बीच में आपका जो मूविंग कॉइल है उसमें आपको क्या मिलेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा, यस और नो। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा, यस और नो। अब आपको नेगेटिव हाफ में इसकी जो पोलारिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, ये एन बन जाएगा, ये एस बन जाएगा, ये एस बन जाएगा, ये एन बन जाएगा। इस केस में भी जो कंट्रोलिंग टॉर्क में, सॉरी, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल रहा है उसकी डायरेक्शन सेम साइड में रहने वाली है। मतलब ये
कि सिर्फ करंट चेंज नहीं हो रहा, करंट के साथ साथ फील्ड भी चेंज कर दे रहे हैं आप। तो आपको जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल रहा वो एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, इसका प्रिंसिपल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, सो इसका प्रिंसिपल, इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिला, मूविंग कॉइल मूव हुआ। अब कंट्रोलिंग टॉर्क जो है, जो स्प्रिंग जो दिया जाता है वो यहीं पे लगा होता है। मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या देने वाला है? कंट्रोलिंग टॉर्क देने वाला है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टी डी विल बी इक्वल टू, मतलब टाउ डी इक्वल टू टाउ सी, कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्लियर हुआ इतना बात? सो ईएमएमसी का सीधा सा फंडा, ये कॉइल का काम है मूव करना। सो दिस इज नथिंग बट द मूविंग कॉइल, दिस इज नथिंग बट द मूविंग कॉइल। क्लियर हो गया इतना बात? चलिए, सो फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज ओवर हियर इन दिस डायग्राम, यू कैन सी। तो फिक्स्ड कॉइल का काम क्या हो गया? टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मूविंग कॉइल का काम क्या हो गया? टू डिफ्लेक्ट, टू मूव, टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। प्रिंसिपल समझ में आ गया। मेन मुद्दे पे आइए सर, कि डिफ्लेक्शन टॉर्क की इसमें इक्वेशन क्या है। पीएमएमसी की यदि बात करी थी तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का टाउ डी से भी इसको लिख सकते हो, टी डी से भी लिख सकते हो। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो इक्वेशन था वो बीना था, इजंट इट। आप यदि बात किए थे, आप जब बात किए थे आपके एम आई इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो एम आई दिस इज नथिंग बट फॉर पी एम एम सी। एम आई के बारे में जब बात किए थे तो टी डी लाए थे आई स्क्वायर बाई टू डी एल बाई डी थीटा, मतलब वहां पे आपका इंडक्टेंस चेंज हो रहा था, किसका? आपकी कॉइल का, और उसी पे बेस्ड वर्क कर रहा था आपका कौन? एम आई इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे जो करंट देख रहे हो आई आर एम एस करंट है, ध्यान रखिएगा, दिस करंट इज नथिंग बट IRMS करंट। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब बात आती है EMMC की, तो EMMC में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या है सर? सो EMMC में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो इक्वेशन होती है वो होती है I1 I2 dm by d theta, dm by d, कौन I1 कौन I2? मुझे तो सिर्फ एक ही करंट दिख रही पूरी सर्किट में, दैट इज I1। सो फिक्स्ड कॉइल में मूव होने वाला करंट को मैं यदि I1 ले लूं और इसमें फ्लो होने वाले करंट को I2 ले लूं, सो I1 आपका फिक्स्ड कॉइल का करंट हो गया, I2 आपका मूविंग कॉइल का करंट हो गया। नाउ अब क्वेश्चन आप पूछेंगे कि सर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाई द करंट इज डिफरेंट? Yes, you can take I1 equal to I2, but there will be पक्का leg difference, मतलब there will be some leg in the currents, मतलब दोनों same नहीं रहेंगे। आपका coil से आ रहा है current, फिर coil में जा रहा है, तो इस coil में और इस coil में there will be difference in the current। किस में difference रहेगा? Phase में difference रहेगा। यदि यहाँ पे आपका current Im sin phi है, suppose साइन ओमेगा टी है, सॉरी, तो इसमें सेकेंड वाली में आई एम टू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिख सकता हूं, देर विल बी सम डिफरेंस, बट फॉर द डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करने के लिए I1 इक्वल टू I2 ले सकते हो, ठीक है। तो इस केस में टाउ डी जो बनता है दैट इज नथिंग बट आई स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एल है सर और यहाँ पे एम है, सो एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या? जब दो कॉइल एक्ट करती है तो एक दूसरे में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट होगा, यस और नो? एक कॉइल का अफेक्ट दूसरे पे होगा, दूसरी कॉइल का अफेक्ट पहली पे होगा, दिस इज नथिंग बट क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप अच्छे से इसको देखे हो, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस बेस पे वर्क कर रहा है, इन दोनों के कम्युलेटिव इफेक्ट से आपकी मूविंग कॉइल ऑपरेट हो रही है, इसलिए यहाँ पे एल की जगह आपके पास आया डी एम बाई डी थीटा। म्यूचुअल इंडक्टेंस कब इंट्रोड्यूस होता है? जब दो कॉइल एक साथ आती है, एक कॉइल का सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस रहता है। क्लियर हो गया आपको इतना बात? सो टाउ डी का जो इक्वेशन आया वो ये है, टाउ डी दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन है वो ये है। बट यदि आप इंट्रोड्यूस करते हो आपके लेग को या फेज डिफरेंस को, तो इसका जो इक्वेशन आता है उसको ध्यान से देखिए। टाउ डी का जो इक्वेशन आता है इसको डिराइव करके आया हुआ है, ठीक है। फुल कोर्स में सब कुछ वन बाय वन होगा, तभी जाके आपको कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझ में आएगा। दिस इज नथिंग बट
dm d थीटा, ये इक्वेशन बनती है यदि आप क्रिएट करते हो या कंसीडर करते हो आपके डिफ्लेक्शन को, आपके फेज डिफरेंस को, फेज डिफरेंस को कंसीडर करते हो तो। ठीक है, अब I1 जो करंट है, दिस इज द करंट, द इंटायर रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम इज सपोज RS, इंटायर रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज RS, सो I1 यदि है तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी इनपुट पे वोल्टेज आपने अप्लाई किया डिवाइड बाय RS, सो I1 को यदि रिप्लेस कर दूं, सो tau d इज नथिंग बट Vs बाय RS I2 cos phi dm बाय d थीटा। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में dm बाय d थीटा जो है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है ये, दिस इज नथिंग बट कांस्टेंट। व्हाट अबाउट RS, कांस्टेंट, व्हाट अबाउट RS, कांस्टेंट, सो tau d प्रोपोर्शनल किसके हो गया, vi cos phi, vi cos phi क्या होता है आपका पावर होता है, इसलिए ये mmc वाट मीटर के रूप में भी यूज होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल टू पावर होता है, प्रोपोर्शनल टू पावर, प्रोपोर्शनल टू पावर, आप देख सकते हो Vs I2 cos phi, vi cos phi एक्टिव पावर का इक्वेशन पढ़े हो, यस और नो, सो पावर के प्रोपोर्शनल आपका डिफ्लेक्शन है, तो EMMC या इन अदर हैंड इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इज यूज्ड इन वाट मीटर्स। ये इतना क्लियर हो गया आपको, तो अभी तक आपने PMMC पढ़ा, MI पढ़ा, अभी इसमें आपका जुड़ गया EMMC, और EMMC का जो इक्वेशन है वो भी अच्छे से याद कर लीजिए, एंड दैट इक्वेशन इज I स्क्वायर dm बाय d थीटा, I स्क्वायर dm बाय d थीटा, इसमें था I स्क्वायर बाय 2 dl बाय d थीटा। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना समझना था हमने इसको देख लिया है, क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर भी आपकी हेडिंग रहने वाली है, उसके बाद हम चारों के एक साथ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि सारा खेल क्वेश्चंस का है आपकी गेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए जरा, नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर जो होता है इसको हम ड्रॉ करते हैं, कैसे क्या बनता है भैया, आपके पास टू कैपेसिटर प्लेट्स है, ठीक है, टू कैपेसिटर प्लेट्स है लाइक दिस, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया ये, हाई वोल्टेज इस पे हम देते हैं, इस पे क्या देते हैं हम, वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है, ये जो प्लेट है ये आपका स्प्रिंग से कुछ ऐसा ये टाइटन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको वेरी, इन दो प्लेट्स के बीच में आप जो वोल्टेज अप्लाई करते हो वो किलो वोल्ट रेंज का है, किलो वोल्ट रेंज का है, और इसको वोल्ट मीटर क्यों, बेसिकली इसका यूज टू मेजर वोल्टेज नॉट करंट, इसलिए इसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज की बात होगी सर, चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, जब भी आप इस पे हाई वोल्टेज लगाते हो उन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाती है, तो देयर विल बी, ये वाली जो आपने ये वाली जो आपने प्लेट है इसको फिक्स कर दिया है, ये मूव नहीं कर सकती, लेकिन ये प्लेट मूवेबल है, ये प्लेट जो है मूवेबल प्लेट है, सो इस प्लेट का काम क्या है कि यदि फोर्स लगा तो ये प्लेट अपने आप को मूव कर सकती है, ये अपने आप को क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। लेट्स टेक दिस मूवमेंट इज एक्स, लेट्स टेक दिस मूवमेंट इज एक्स, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए एक्स इज द मूवमेंट ओवर हियर, आपका जो पॉइंटर लगा हुआ है दैट पॉइंटर इज कनेक्टेड विद दिस मूवेबल प्लेट ओनली, जो प्लेट मूव करेगी उसी से तो आपका पॉइंटर कनेक्टेड रहेगा ना, बिकॉज आपका जो पॉइंटर है उसको आपको डिफ्लेक्ट करवाना है, क्लियर हो गई इतनी बात, है ना, दिस इज नथिंग बट जीरो, ये फुल स्केल वैल्यू जो भी हो, इस पॉइंटर इसके इसके मूवमेंट के चलते ये पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, सो
आपका जो डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज स्टोर किए, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन के बाद आपको मूवमेंट मिला, उस मूवमेंट को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया इस पॉइंटर से, तो आपको डिफ्लेक्शन मिल गया, थीटा मिल गया। क्लियर हुआ इतना बात? अब देखो आप यहाँ पे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात आती है तो बेसिकली ये वोल्ट मीटर है और वेरी हाई वोल्टेज पे वर्क करता है, मतलब इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट भी यदि देखा जाए तो वेरी हाई है। लो वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर नहीं है, ठीक है। हाई वोल्टेज लाइन्स के वोल्टेज यदि आपको मेजर करने हैं सो यू विल यूज देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। सो गेट के एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वोल्ट मीटर्स इज यूज्ड टू मेजर किलो वोल्ट। योर ऑप्शन विल बी देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी इसके पहले आपने ईएमएमसी देखा था, ईएमएमसी जो होता है हम बताना भूल गए आपको, एज ए एमीटर भी यूज कर सकते हो आप उसको, ठीक है, वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हो, एज ए वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हो उसको, बट इन जनरल उसका जो एप्लीकेशन है दैट इज नथिंग बट एज ए वॉट मीटर, एज ए वोल्ट मीटर मतलब पावर मेजरिंग डिवाइस। सो ईएमएमसी का यूज आप जब करेंगे तो आप वॉट मीटर के तौर पे करेंगे, एमीटर के तौर पे नहीं करेंगे। सो कौन सा बेस्ट एमीटर है? पीएमएमसी। कौन सा बेस्ट वोल्ट मीटर है? पीएमएमसी। बेसिंग इंस्ट्रूमेंट कौन है? पीएमएमसी। क्या पीएमएमसी से सॉरी क्या पीएमएमसी से डीसी मेजर की जा सकती है? यस। क्या पीएमएमसी से एसी मेजर की जा सकती है? नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली की जा सकती है, ठीक है। एसी को आप क्या कन्वर्ट कर दोगे? आपने देखा ना फुल वेव रेक्टिफायर एंड ऑल, सो इजी है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि ये सीन है तो सर इसका इक्वेशन बता दीजिए, इसके डिफ्लेक्शन का यानी कि टाउ डी का, दिस इज नथिंग बट ये जो चेंज होगा ये हो जाएगा थीटा। सो आप देखिए ध्यान से, इसका जो कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो होता है v स्क्वायर बाय टू डीसी बाय डी थीटा। इस एक्स के प्रोपोर्शनल है थीटा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आपने कभी ऐसा भी पढ़ा होगा वी स्क्वायर बाय टू डीसी बाय डीएक्स, है ना। जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो आपका प्रोपोर्शनल है या इक्विवेलेंट है वी स्क्वायर बाय टू डीसी बाय डीएक्स के, ठीक है। सो आपका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वी स्क्वायर बाय टू डीसी बाय डी थीटा। इसको कंपेयर कर सकते हो एमआई इंस्ट्रूमेंट से, वहां पे क्या था आपके पास आई स्क्वायर बाय टू डीएल बाय डी थीटा, याद रहेगा ये? गुड, ऐसा कंपेयर से आपको याद रह जाएगा परमानेंटली, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पॉइंट फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज यूज फॉर द हाई वोल्टेजेस ओनली, नो स्मॉल वोल्टेज, ठीक है, और एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, दीज आर द साइलेंट पॉइंट्स। नाउ क्वेश्चन देखते हैं गेट के, आपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए, अब क्वेश्चन देखते हैं और तुरंत स्विच करेंगे रेजिस्टेंस मेजरमेंट में, ठीक है। सो क्वेश्चंस, चलिए तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर, चार क्वेश्चन मैंने लिए हैं। सो जो इंस्ट्रूमेंट के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो इलेक्ट्रिकल वालों को ज़्यादा आते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को शायद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इन द हिस्ट्री ऑफ गेट अभी तक का, लेकिन यदि पूछ लिया जाए तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी क्लियर होगी कि कौन कैसे वर्क कर रहा है, किस चीज़ के मेजर के लिए यूज हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, ठीक है। अब हम उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। 0 to 10 मिली एम्पियर पीएमएमसी एमीटर रीड्स 4 मिली एम्पियर इन अ सर्किट। एक सर्किट में आपने पीएमएमसी इंट्रोड्यूस कर दिया है और वो 4 मिली एम्पियर मेजर कर रहा है। इट्स बॉटम कंट्रोल स्प्रिंग स्नैप सडनली। आपको पता ही है कि पीएमएमसी में जो कॉइल है आपका मूविंग कॉइल है वो कनेक्टेड रहता है किससे? स्प्रिंग से, ठीक है। और इस स्प्रिंग से जो कनेक्ट रहता है यही इसी स्प्रिंग का काम है उसको कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस देना, ठीक है, जिसका काम है कंट्रोल करना। अब क्या बोला, कंट्रोल स्प्रिंग स्नैप सडनली, इसका बॉटम वाला जो स्प्रिंग है ये टूट जाता है। द मीटर विल रीड नाउ, और योर ऑप्शन 10 मिली 8 मिली 2 मिली 0 मिली 0,
क्या होगा बताइए। अब हमने पढ़ा था कि पीएमएमसी में स्प्रिंग में करंट फ्लो होता है, स्प्रिंग जो है स्प्रिंग में करंट फ्लो होता है, पढ़ा था आपने? यस, करंट फ्लो होता है, मतलब ये जो कनेक्टेड है आउटर सर्किट वो आपका प्लस माइनस, लेट्स टेक इट 5 वोल्ट, लेट्स टेक इट 10 ओम, ये स्प्रिंग से होके जाता है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, आपका परमानेंट मैग्नेट, राइट, ठीक है, इसी से कनेक्टर है, कनेक्टेड है आपका पॉइंटर, यही स्ट्रक्चर है आपके पीएमएमसी का, ठीक है। अब ये एक यदि टूट गया तो सर्किट में करंट जो है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता है क्या, नहीं होता है, क्लियर है। चलिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है द स्केल ऑफ वोल्ट मीटर, द स्केल ऑफ, वेट ए मिनट, आपको बोल रहा है द स्केल ऑफ ए वोल्ट मीटर इज यूनिफॉर्म इट्स टाइप इज, ये स्केल यूनिफॉर्म का क्या माज रहा है, ये यूनिफॉर्म का ये माज रहा है कि सपोज आपकी स्केल बनी हुई है जीरो से लेके फुल स्केल वैल्यू तक, फुल स्केल वैल्यू, लेट्स टेक फुल स्केल वैल्यू इज 5 एम्पियर सपोज, ठीक है। सो ये आपके डिविजन्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 5 के डिवीज़न है। सो ये जो इसका रिजोल्यूशन है ये एकदम यूनिफॉर्म स्केल है, डिवीज़न जो है एकदम यूनिफॉर्म है, कहीं पे भी कुछ कंप्रेस्ड वर्जन नहीं है, ठीक है, 0 से 1 एम्पियर के बीच में, ये आप यहाँ पे ले सकते हो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। सो 0.2 यदि इसका रिजोल्यूशन है, इसका रिजोल्यूशन यदि 0.2 है, सो उसी फैशन में कंटिन्यू टिल 5 एम्पियर तक, ये यदि इसका 0.2 एम्पियर रिजोल्यूशन है तो 5 एम्पियर तक एक यूनिफॉर्म स्केल बनी हुई है। तो ये सिर्फ पीएमएमसी के केस में होता है, पीएमएमसी के केस में जो स्केल होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म स्केल। फिर आप चाहे एमआई में चले जाओ, ईएमएमसी में चले जाओ, या किसी भी टाइप का इंडक्शन में चले जाओ, या किसी भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में चले जाओ, सिर्फ लीनियर स्केल आपके पीएमएमसी में होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन क्या क्या दिया, एमआई नहीं होती, इंडक्शन नहीं होती, मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट, देखिए पीएमएमसी नहीं लिखा है इसने, कंफ्यूज नहीं होना, मूविंग कॉइल और परमानेंट मैग्नेट बाद में लिख दिया, तो ऑप्शन दिस इज करेक्ट, मूविंग कॉइल, डायनामोमीटर नहीं होती इसमें। तो भैया क्वेश्चन ये उठता है कि भाई एमआई में होती कैसी है, फिर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में स्केल होती कैसी है, यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो कैसी होती है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये जीरो है, ये FSV है, मूविंग आयरन की यदि टाउ डी की यदि बात करें तो वो होता है I² / 2 dl / dθ, ठीक है। अब क्या होता है कि यदि आप इस डिवाइस को लीनियर आपको बनाना है, यानी कि आपका जो थीटा है उसकी वैल्यू कम से कम होना चाहिए, यदि इस फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो गई, सो आप टाउ डी, मतलब फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट यू कैन गेट द डिफ्लेक्शन, फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट यू कैन गेट द डिफ्लेक्शन, ठीक है, ताकि उसको शो कर पाए आप, एक यूनिफॉर्मिटी लेके आनी पड़ेगी ना आपको। अब देखिए क्या होता है कि इसको रिड्यूस कर पाना बहुत मुश्किल है, मतलब इस जो ये जो पैरामीटर है इसको रिड्यूस कर पाना बहुत मुश्किल है, इसको इंक्रीज कर पाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकली किसी का चेंज इन इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट दिस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस थीटा की वैल्यू टेक्निकली कंप्रेस कर देनी पड़ेगी, यहाँ पे जो पॉइंटर शो करेगा उसको ये कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ ये रिजोल्यूशन, यहाँ पे इसका खुला हुआ इस टाइप से रहेगा, ठीक है, यहाँ पे फिर ये कंप्रेस्ड हो जाती, तो ये यहाँ पे जो स्केल कंप्रेस हो जाना मतलब ये स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा को भी इंडिकेट कर देना, थीटा इंडिकेट स्मॉल हुआ तो ये इसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। सो इसको लीनियर बनाने के लिए मतलब प्रोपोर्शनल टू दिस पैरामीटर बनाने के लिए, I² तो आपका करंट है, ये इसको नॉन लीनियर बनाता है, लेकिन फॉर द वेरी स्मॉल करंट अपने को इतना दिक्कत नहीं है यदि इस फैक्टर को आपने बढ़ा दिया तो। सो यहाँ पे जो स्केल है ये कंप्रेस्ड है, इसी को हम बोलते हैं कि स्केल जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सभी में है, ध्यान रखिएगा, ऐसा जो है वो सभी में है। अब हम देखते हैं
क्या लिखा भाई, एडवांटेज ऑफ पीएमएमसी इज, पीएमएमसी का एडवांटेज क्या है, फोर ऑप्शन से, फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन एरर, नहीं गलत बात है, फ्रिक्शन एरर उसमें होता है, हैज हाई वैल्यू ऑफ टॉर्क टू वेट रेशियो, यस ये बात तो सही ही है, दूसरी चेक करने की जरूरत है क्या, लो वैल्यू ऑफ टॉर्क, नो, कैन बी यूज फॉर बोथ एसी डीसी, नो, पीएमएमसी यूज फॉर द डीसी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इन इंडक्शन एमीटर, मतलब जो चेंज इन इंडक्टेंस के उसमें वर्क करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जहाँ भी चेंज इन इंडक्टेंस की बात होगी, डीएल बाई डी थीटा की बात होगी, आपका जो डिफ्लेक्शन है विल बी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, देखे भी हैं ना हम, ठीक है। तो दिस आर द फोर क्वेश्चंस एंड फोर ऑप्शंस वी हैव। सो अब हम कुछ और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।